एक मैं ही तो हूँ जो फिजिक पे मेहनत करता हूँ। सॉरी कंट्रोवर्सी नहीं है ये एक्चुअली। क्या करूँ एक्चुअली है क्या ना कि मेरा मुँह है ठीक ठाक नहीं है का कुछ भी बोल जाता हूँ। रीज़न ये है ना कि देखिए हम एक्टर तभी बेहतर हैं कि अगर हम मुझे लोग प्यार करते हैं और मुझे प्यार करते हैं तो क्यों करेंगे। अगर मैं भी एक आम इंसान की तरह ये चीज़ों को रखूं अपने बॉडी अपने चाल को अपने रहन सहन को अपने हर चीज़ को तो मैं अलग नहीं हूं और मैं उनसे अलग नहीं हूं, लेकिन मैं अलग करूंगा तो ही अपने आप को दुनिया भी अलग करेगी। और मैं थोड़ा सा सीरियस रहता हूं अपने फिजिक को भी लेके अपने काम को लेके, तो उसके वजह से उसी बहाने मैं अपने आप को फिट भी रखता हूँ। इसीलिए मुझे लगता है मैं जब काम से प्यार करता हूँ तो जब आपको अपने काम से प्यार होगा ना तो कहीं ना कहीं आप अपने चीज़ों को हर चीज़ को बेहतर करोगे। इसीलिए हो सकता है कि आपको मेरी फिजिक अच्छी लगी हो, दिल से थैंक यू। नहीं मेरे ऊपर नहीं है, एज ए एक्टर इसमें समझ लीजिए कि एक राम का एज ए एक्टर किरदार किया है आदमी, लेकिन वो राम है नहीं बल्कि वो एक एक्टर है राजा है और दुनिया राम मान लेती है और उसी मानने में उसको कितनी प्रॉब्लम होती है ये जब आप सिनेमा देखेंगे तो पता चलेगा कि एक्टर की ज़िंदगी अगर आपकी आप उसको आस्था में लोग मान लिए तो फिर लोग समझते हैं कि ये राम है तो ये पान नहीं खाएगा, ये राम है तो इसको भाई वो नहीं खाना है वो नहीं खाना है ये नहीं कर सकता ये नहीं कर सकता, तो उसमें क्या एज ए इंसान की ज़िंदगी जो होती है ना वो बड़ी डिस्टर्ब हो जाती है। उसी बेस पे कहानी है कि एक एक्टर की ज़िंदगी में क्या क्या नहीं होता है और जब लोग उससे जुड़ जाते हैं तो जुड़ने के बाद उसकी मुसीबत और बढ़ती है। आप कह सकते हैं क्योंकि उनके साथ भी उनसे ही इंस्पायर होकर ये कहानी बनाई गई है कि उनके भी जीवन में उछल कूद हुआ था जब उन्होंने एक सिगरेट पी ली थी तो उसी के बेस पे हम लोगों ने इस कहानी को कहीं ना कहीं पिरोया है। लेकिन एज ए एक्टर मैंने इसमें जो काम किया है मेरी प्रयास है कि मैं उस राम की भूमिका में कोशिश बहुत किया हूँ बट राम तो बन नहीं पाया और ना ही मैं बन पाऊँगा और मुझे राम बनना भी नहीं है। मैं एक इंसान के रूप में चाहता हूँ अपने जीवन को चलाऊँ और इंसान के रूप में ही राम के आचरण को अपने अंदर लेकर अपने जीवन को चलाऊँ, ये मैं हमेशा प्रयास करता हूँ।